सर टैनेंट तो मिल जाएगा पर एक महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और एक महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना, nobroker.com है ना। सो वेलकम ऑडियंस, आज हमारे साथ है अमित अग्रवाल जो नो ब्रोकर के सीईओ है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देखी। देखिए आज के टाइम में अगर हम मार्केट के अंदर जाए तो हमें अच्छा ब्रोकर नहीं मिलता है कि हम कैसे उस पर ट्रस्ट करें, कैसे वो हमें अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएगा। कई बार क्या होता है ब्रोकर्स क्या करते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमको दिला देते हैं जिसमें हमारा बेनिफिट नहीं होता, उनका ज्यादा कमीशन होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है। बट इन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जहां पे यूजर्स जाके प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्होंने जीरो ब्रोकरेज फॉर्म रखी है उसके ऊपर जिससे कस्टमर तक राइट प्रॉपर्टी पहुंच पाए। सर सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, शुरुआत में आप थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को। तो मैं इंजीनियर हूं आईआईटी कानपुर से और एमबीए हूं आईआईएम अहमदाबाद से। उसके बाद मैंने करीब 10 साल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम किया पीडब्ल्यूसी में, फिर एएनजेड बैंक में जो कि ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक है। उसके बाद मैं और मेरे दो दोस्तों सौरभ और अखिल, हम तीनों ने मिलकर नो ब्रोकर स्टार्ट करी करीब 7 साल पहले। ओके दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। आपने बैंक में भी जॉब करी थी, ऑस्ट्रेलियन बैंक था, मैंने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक आउट करा था। सर कभी आपको लगा नहीं जैसे आपने इतनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के रिस्की करियर लिया? तो हाई प्रोफाइल जॉब की अच्छी बात यह है कि एक तरह की सैलरी आपकी अच्छी हो जाती है और वो लाइफ स्टेबल हो जाती है। इसकी खराब बात बेसिकली ये है कि उसके बाद फिर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मुझको एएनजेड बैंक की जॉब के बाद ये लगा कि अगर अभी अगर मैंने कुछ रिस्क नहीं लिया स्टार्टअप का तो उसके बाद फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फिर आप आपका कॉर्पोरेट कैरियर ही चेस करते रहोगे, उसके अंदर अगला डेजिग्नेशन, अगला इंक्रीमेंट, फिर वो रास्ता भी अच्छा है। बट अगर कुछ अपना करना है तो जितना लेट होगा उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ओके ओके सर ग्रेट। मैं आपकी कंपनी के नेटवर्क भी देख रहा था आज, आपकी कंपनी के नेटवर्क 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है ना। आपने बहुत ही इनिशियली फंडिंग्स भी रेज करी, आपको कई इन्वेस्टर्स ने मना भी करा कि इस आइडिया में मैं कोई विजन नहीं दिखता, कहीं पे पहले किसी ने करा नहीं है, तो आपने कैसे इन्फ्लुएंस करा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मेन चीज यही रहती है इनिशियल इन्वेस्टर्स को पिच करना। हाँ तो आपका क्वेश्चन अच्छा है, पर आई विश कि हमारे कि मेरे पास कोई ऐसा मतलब जादू की छड़ी होती पर वो है नहीं। तो हमें फंडिंग के अंदर ऑफकोर्स हमको बहुत मेहनत लगी और बिल्कुल भी हमारी फंडिंग आसान नहीं थी। हम बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते थे और इन्वेस्टर बेसिकली यही बोलता था कि यार ये आइडिया तो कहीं यूएस और चाइना में है नहीं तो इंडिया में कैसे चलेगा। और कस्टमर हमें बोलते थे कि नहीं ब्रोकरेज तो हम नहीं देना चाहते, तो ये आइडिया तो अच्छा है। तो उस हिसाब से इसमें काफी जद्दोजहद रही और इन्वेस्टर्स के हिसाब से, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स ने उससे पहले कभी पैसा बनाया भी नहीं है, तो कोई पीछे का कोई ऐसा इंस्टेंस भी नहीं है तो इसलिए काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये हमेशा डाउट रहता था कि ये नो ब्रोकरेज मॉडल, चूंकि किसी का कॉपी भी नहीं है, कोई ऐसा उबर नहीं है, कोई ऐसा अमेजोन नहीं सर कॉपी हमने किया हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर नहीं ले सकते हैं। तो हम मतलब हम आई एम श्योर हम 20-30 इन्वेस्टर से मिले होंगे और फाइनली जाके हमें एक इन्वेस्टर ने को लगा कि हाँ इस आइडिया पर रिस्क लेना चाहिए। ओके ओके दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट सर। एक इस जो ब्रांड की जर्नी का नेम है, आपने नेम कैसे चूज करा, आइडिया कैसे आया सारी चीजें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। तो ये नाम नो ब्रोकर जो मेरे को फाउंडर है सौरभ, उसने बेसिकली ब्लॉक कराया था बहुत साल पहले, और फिर हमने nobroker.com में जो है बेसिकली इसको ऑफ कोर्स मतलब यूज किया। और मुझे लगता है कि इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारा वैल्यू प्रपोजिशन बहुत ही क्लियर हो गया, वरना क्या ये कंपनी कोई चीज सोच के स्टार्ट करती है फिर उसके बाद वो बदल देते हैं कि अच्छा अब कुछ और करने लग जाते हैं। आई थिंक एक बार नो ब्रोकर नाम डिसाइड हो गया तो फिर अब इसमें कोई चॉइस नहीं बची, तो फिर कभी वो धर्म संकट भी नहीं आया कि अच्छा हमें क्या ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा एक्चुअली में फायदा जो है वो ये हुआ कि कस्टमर को एकदम क्लियर हो जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारे काफी मार्केटिंग पैसे भी हमारे बचे हैं। ओके सर दैट्स सो वंडरफुल। ओके
सो आपने बेसिकली ब्रोकर को कट कर दिया अपने सिस्टम के अंदर से, एंड आप उसके बिना ऑपरेट करते हैं मार्केट के अंदर। हाँ जी, तो हमने ऑब्जेक्टिव ये किया कि हम ओनर और टेनेंट को, बायर और सेलर, इन दोनों पार्टीज को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी ब्रोकर इन बिटवीन। सो किसी ब्रोकर को बीच में नहीं लाते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप आज एक फेसबुक रिक्वेस्ट आप किसी को भेज सकते हो पूरे वर्ल्ड में, राइट, तो आपको एक्सेप्ट करे ना करे, तो उसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं अपना घर क्यों नहीं किराए पे दे सकता या मैं घर क्यों नहीं बेच सकता, चाहे मैं सामने वाले बंदे को जानता हूं या ना जानता हूं, और मुझे एक फिजिकल ब्रोकर को एक महीने का भाड़ा देने की जरूरत क्यों है। मतलब इतनी मेहनत से आप अगर देखो तो टिपिकली किसी की भी सैलरी का 1/3 पोर्शन टिपिकली होता है रेंट, इफ नॉट मोर। और तो मैं एक महीने का ब्रोकरेज उसके और भी दे रहा हूं, और वो भी तब जबकि टिपिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा बेरली एक साल का होता है और 12 से 18 महीने के बाद फिर हम जनरली लोग घर चेंज करते हैं। तो मैं इतना बड़ा फीस में क्यों एक ब्रोकर को दूं? तो हमारा हमारा बेसिकली था कि जब टेक्नोलॉजी है और आप अपने अपने प्रॉपर्टी को पब्लिसाइज कर सकते हो और आप टेनेंट को बुला सकते हो, तो हम ब्रोकर को कट करके पैसे कॉमन मैन की जेब में कैसे दें? यस सर, राइट राइट, बिल्कुल सही बात। तो आपने बेसिकली कस्टमर के व्यू पॉइंट से सोचा कि मैं कैसे उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव कर सकता हूँ घर को ढूंढना, एंड चॉइसेस बढ़ गई क्योंकि ब्रोकर तो 10 या 20 घर दिखा सकता है, आप तो अनलिमिटेड दिखा सकते हो जितने लिस्टेड है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, और हम तीनों का भी एक्सपीरियंस यही रहा था कि जब हम ब्रोकर के साथ जाते थे डील करने के लिए, तो पहली बात तो जैसे आपने बोला कि उसके पास एक लिमिटेड इन्वेंटरी रहती थी, तो वो हमें घर दिखाएगा, और वो करता भी बेसिकली ब्रोकर क्या है कि वो पहले सबसे खराब घर से स्टार्ट करता है क्योंकि वो घर उसका मूव नहीं हो रहा होता है, उसको से जाने लगाना होती है, तो वो सबसे पहले उस वाले घर से स्टार्ट करता है। जब आप मुझे लगता है कि एक कस्टमर अगर नया है, नया शहर में आया, तो उसे सबसे पहले वो घर दिखाता है, फिर उसके बाद थोड़े आप शोर मचाओगे नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, तो फिर और बेटर घर पर बेसिकली वो शिफ्ट होता है। तो हमको लगा कि लेकिन टेक्नोलॉजी में आपको सारे घर दिखते हैं, आपको ज्यादा बड़ी इन्वेंटरी दिखती है, तो चॉइसेस कस्टमर के लिए ज्यादा है, क्लोजर फास्टर है, और डायरेक्टली आप दोनों पार्टी एक दूसरे से डील कर रही है, तो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं हो रही। ओके, सही है सर। सर ऐसा क्या मोटिवेशन था आपके लाइफ के अंदर कि आपने जॉब को छोड़ा, स्टार्टअप को चालू करा? बेसिकली जॉब को छोड़ना मैंने भी छोड़ा था, तो लगता है कि यार हर महीने के एंड में एक बार तो सैलरी आएगी, अब यहाँ पे पता नहीं होता कि कब रेवेन्यू आएगा, कब क्लाइंट आएगा, कैसे चलेगा, कैसे आप सैलरी पे करेंगे, क्योंकि मैं मेरे को भी सेल्फ डाउट्स आते हैं कि मैं कैसे 100 लोगों की सैलरी पे कर पाऊंगा जब मेरे पास खुद के पास सेल्स नहीं आएंगे, फंड्स नहीं होगा, तो अगले महीने तो इस महीने तो हो गया, नेक्स्ट मंथ क्या, तो कैसे? आप एकदम सही बोल रहे हैं, तो अपनी कंपनी चलाना तो ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट है, तो इनफैक्ट मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्ट बिकॉज मैं स्टार्टअप में हूं मैं स्टार्टअप की तारीफ करने लग जाऊं, केवल एक अच्छी कंपनी में जॉब करना और वहां पे काम करना इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, तो देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को स्टार्टअप ही करना चाहिए, अगर किसी और की कंपनी है और आप उसकी जर्नी को ज्वाइन करके उसको और बड़ा बना सकते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत बहुत आनंद है और वो एकदम करना चाहिए। हाँ, मेरे केस के अंदर ये था कि मैं बहुत साल जॉब कर चुका था और मेरा मन था कि मैं बेसिकली एक बार रिस्क लूं, क्योंकि जैसे कहावत है कि नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ऑल, तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे रिस्क लेना चाहिए। और एक अच्छी स्ट्रेटजी बेसिकली शायद ये भी है, जो हालांकि मैंने नहीं करी, पर वो ये है कि आप जॉब के साथ साथ कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेस सिस्टम में तब आता है जब आपने जॉब भी छोड़ी हुई है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं और अपना कुछ आप कर रहे हो। आई थिंक जो बीच का रास्ता है फॉर एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए इज नॉट अ बैड आइडिया, कि आप आपका जॉब की सिक्योरिटी है, आप लेट इवनिंग्स में सैटरडे संडे के अंदर आप फाइट मार के अपना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, और जब आपने देखा कि हाँ वो थोड़ा टेक ऑफ करने लग गया, तब आपने पूरी तरह से रिस्क ले लिया। हाँ, वो पूरा रिस्क लेने के बाद भी जनरली स्टार्टअप में आपको पता ही है कि 90% कंपनी तो नहीं चल पाती है या बहुत ओके करती है, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा ही। इसलिए ही अगर आपने कुछ साल कहीं जॉब करी हुई है तो आपके पास एक बैकअप प्लान है कि अगर मेरा ये नहीं चला तो मैं बेसिकली वापस जॉब कर सकता हूँ। पर हाँ, अगर आपका अपना कुछ करने का मन है तो फिर एक बार फंड्स इकट्ठे करके कर लेना चाहिए, वरना फिर हमेशा उस बात का मलाल रहेगा, रिग्रेट रहता है सबसे बड़ा कि कर लेता। हाँ जी,
ठीक है सर, आपको क्या लगता है परफेक्ट टाइमिंग कौन सा होगा स्टार्टअप को चालू करने का? बहुत से लोगों में डाउट रहता है कि एक बार जॉब लग जाए, कोई कोर्स कर लूं, थोड़ा सीख लूं, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर करेंगे स्टार्टअप। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग की तो कोई डेफिनेशन है नहीं, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल हैं इस प्रोफेशन में अपनी कंपनी खोलने में, उनकी उम्र 18-19 साल से लेकर 60 साल तक वेरी करती है। तो इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर एज तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उस यानी इस बात का फायदा ये है कि ना तो आप कभी बहुत अर्ली हैं और ना आप कभी बहुत लेट हुए हैं, तो ये अच्छी न्यूज है कि कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। मैं बस इतना बोलूंगा कि बजाय उसको एज ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करने के, आप उसे फाइनेंसिस के हिसाब से डिसाइड करिए और बैकअप के हिसाब से डिसाइड करिए। क्योंकि देखिए, कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ साहब मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ड ये है कि बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, तो अगर वो फेल हुआ तो कुछ जॉब आपको मिलेगी क्या? इसलिए अगर आपके पास इनहेरेंटली इनहेरिटेंस का पैसे हैं, विरासत के पैसे हैं, तब तो ठीक है, फिर तो आपको एकदम कॉलेज ड्रॉप करके आप स्टार्ट कर दीजिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो इसमें कोई बुरा आइडिया नहीं है कि आपने कुछ जगह काम कर लिया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपने सीख भी लिया कि टीम में काम कैसे करते हैं, आपने किसी अच्छे लीडर को फॉलो कर लिया और आपने अपने कुछ फाइनेंसेस जुगाड़ लिए। क्योंकि जितने कम आपके पास, अगर आपने कुछ स्टार्ट किया तो आपके पास आइडियली 12 से 18 महीने के पैसे इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज एकदम चल जाए बिना इतना एफर्ट लगाए हुए। तो 18 महीने, तो अगर आपने 18 महीने सोचा है तो 18 महीने का खर्चा और 18 महीने के लिए वो बिजनेस में चलाने में जो पैसा खर्च होगा वो जुगाड़ना बहुत जरूरी है पहले, वरना आपने सिंपली स्टार्ट कर दो कि आपको जो है 2-3 महीने के अंदर मैं चल जाएगा तो कस्टमर पैसे दे देंगे या इन्वेस्टर पैसे दे देगा, वो उससे वो बहुत ही कम टाइम है और बहुत स्ट्रेस आ जाएगा उसके अंदर। तो ज्यादा अच्छा तो प्रैक्टिकल यही है कि आप 12 से 18 महीने के पहले पैसे जुगाड़ लो और उसके बाद आप स्टार्ट करो, तो फिर आप रोज रोज परेशान नहीं होगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि एक तो जो स्ट्रेस पर यूनिट ऑफ टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट सर, एक्सट्रीमली राइट सर। एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स में से पूछते हैं, जब वो फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपने फिजिकली ऑफिसेस विजिट कर करके अप्लाई करा था या ऑनलाइन अप्लाई करा था, कैसे वो जर्नी रही थी आपकी? देखिए, फिजिकली तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है और सामने वाले इन्वेस्टर भी बिजी लोग हैं, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं कि आपने डोर पे नॉक किया और आप भागे, तो प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। तो ज्यादा अच्छी अप्रोच तो आप यही है कि आप गूगल पे हर किसी का ईमेल एड्रेस है, लिंक्डइन पे सारे इन्वेस्टर अवेलेबल हैं, आप बेसिकली उनको लिखो और आप बहुत ही संक्षिप्त में लिखो, एक लाइन की आपका आइडिया क्या है, एक लाइन की आपकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, एक लाइन की इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है, एक लाइन में कि आपकी बैकग्राउंड क्या है और एक लाइन में कि आपका ट्रैक्शन या आपके बिजनेस में अभी क्या क्या हो रहा है। तो आपने 5-6 लाइनों के अंदर शॉर्ट में समझा दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ तक मेरी प्रोग्रेस हुई है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा मार्केट में टारगेट कर रहा हूँ। ये 5-6 लाइनों की एक संक्षिप्त अगर आप ईमेल लिख के भेज दोगे, और कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर पूरा प्रेजेंटेशन अटैच करने की, पहले आप एक बेसिक लिख के इन्वेस्टर से पूछो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं फोन पर या फेस टू फेस, और आप टाइम के लिए मांग। और जनरली मेल में सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप पढ़ सकते हो कि सामने वाले ने ईमेल रीड करी कि नहीं करी, तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगी कि ईमेल रीड हुई कि नहीं। और फिर आप रेस्पेक्ट करो वो जो बोल रहा है इन्वेस्टर, और अगर वो तब इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और लेकिन बोलता है कि हाँ अपडेटेड रखना मुझे, तो आप हर महीने हर 3 महीने में अपडेट कर देते रहो, ईमेल पे ही देते रहो। ओके, ग्रेट सर, राइट, एक्सट्रीमली राइट। एंड ईमेल भी ऐसा होना चाहिए स्पेसिफिक, कम वर्ड्स में अच्छी इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत सारे लोग ईमेल मोबाइल पे पढ़ते हैं, तो आप बहुत लंबा लिखोगे, आप बहुत पैशनेट हो अपने स्टार्टअप के बारे में, लेकिन सामने वाले के पास वो कुछ सेकंड्स ही हैं जिसके अंदर उसे अपना माइंड मेकअप करना है और मोबाइल पर वो स्क्रॉल कर रहा है, तो 5-6 लाइनों में ये आप अपने आप को फोर्स करो कि उन 5-6 लाइनों में, जैसे मैंने बोला आपको, कि इन 5 टॉपिक के बारे में आप लिख दो, और एनीवे उसमें जरा भी इंटरेस्ट होगा, सामने वाला उस एरिया में इन्वेस्ट करता होगा तो जरूर आपको बोलेगा बात करने के लिए, क्योंकि उनका भी दिन भर का काम यही है कि उनको अच्छी कंपनीज ढूंढनी है। राइट सर, एक्सट्रीमली राइट।
सर, स्टार्टअप जब आपने चालू करा, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट, तो आपने खुद की वेबसाइट को आपको कोडिंग के बारे में पता होगा। आज के टाइम में कि आपको भी पता है टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप ज्यादा तेजी से फंडिंग उठाते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम स्केल कर सकते हैं। बट काफी सारे लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो वो कंपनी के लिए सीटी और टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर आए शुरुआत के अंदर? क्योंकि इनिशियली अगर हम एक 10-12 हजार का कोडर लाएंगे तो वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और लाख रुपए का पर्सन हम ला नहीं सकते, इसके लिए कैसे करेंगे जनरेशन? तो देखिए, मेरे केस के अंदर भी, हालांकि मैंने टेक में काम किया था 2 साल, लेकिन उसके बाद करीब 15 साल तक तो मैंने नॉन टेक काम किया था, बिजनेस साइड में किया था। तो मेरा जो को-फाउंडर अखिल है, वो टेक्नोलॉजी पूरा संभालता है, उसने पूरा ही साइड बनाया, उसने, उसके भाई अंशु ने। तो मैं यही बोलूं, मैं इसको 2 तरह से आंसर दूंगा। पहला तो ये है कि टेक को फाउंडर आपको ढूंढना चाहिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि टेक में काम करते हैं। ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों को मैं देखता हूं जो कुछ ना कुछ डेटा साइंस में, ऐप डेवलपमेंट में, वेब में कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो टेक लोगों को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, वेवलेंथ मैच हो वो आप। ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं, ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, जिनको आप हायर कर सकते हैं और वो आपको बेसिकली काम कर सकती हैं। और थर्ड मैं ये बोलूंगा कि अगर जरूरी नहीं है कि हर कंपनी टेक कंपनी हो, आप इस तरह से सोचिए कि आप एक कस्टमर के एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अगर नॉन टेक है लेकिन वो सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो एकदम ठीक है वो। मतलब अगर सपोज समझिए कि हाँ, तो कोई बहुत सारी चीजें, आप केवल सर्विसेज नहीं, बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज अगर आप, उदाहरण के लिए आप मानिए कि आप बहुत अच्छा सैलून के आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और आप चेन ऑफ सैलून चाहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा, उसमें कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वही बहुत अच्छा आइडिया है, वो भी कंसिडर किया सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, आपने रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करा होगा? कई बार एम्प्लॉइज भी छोड़ के चले जाते हैं कंपनीज के अंदर इनिशियल डेज के अंदर, या फिर कस्टमर मना कर देते हैं, या रेवेन्यू नहीं आता, या कोई एक्सटर्नल डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस टाइम रिजेक्शंस को आपने कैसे फेस करा है, क्या वो टाइम था? तो देखिए, रिजेक्शंस में तो हमेशा ही कठिनाई होती है, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आज भी कोई रिजेक्शन होगा, कभी भी होगा फ्यूचर में, तो हमेशा उससे दुख होगा ही होगा, क्योंकि आपने एक बार इमोशनली इन्वेस्ट किया है किसी पर्सन में या किसी आइडिया में, अगर वो नहीं आगे फ्रक्टिफाई हो रहा है तो उससे तो कष्ट होना ही है। पर हाँ, अकेली मेरी लर्निंग जो है ओवर द इयर्स वो यही है कि जितनी जल्दी आप ना दुखी होने के बाद, तो एक स्टेज है कि आपने रिजेक्शन सुना और फिर आप दुखी हुए और उसके बाद फिर आपने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब करना क्या है, अब बताओ कि अब अगला स्टेप क्या करना है, और आपने बहुत ही रैशनली और एनालिटिकली सोचा कि अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो आपका जर्नी, इमोशनल जर्नी क्या है? पहले न्यूज आपको सुनी रिजेक्शन की, फिर आप दुखी हुए, फिर आपको मलाल हुआ, फिर आपने सोचा कि हाय मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो ऐसा नहीं होता। फिर वो सारी स्टेजेस के बाद फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपने बोला अच्छा ठीक है, तो अब करना क्या, रैशनली एनालिटिकली सोचते हैं। तो ये जो पूरी स्टेज है, इसके अंदर जो दुखी होने और एक्सेप्ट करने की स्टेज है ना, ये कम से कम कर लो ये मतलब एक मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो, 1 दिन कर लो, जितना छोटा कर सकते हो आप उसे कर लो, और जल्दी से जल्दी एनालिटिकली और रैशनल चीजें पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, अभी हो चुका है, ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने, रिजेक्शन, अब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि जितना दुखी होने की स्टेज लंबी चलेगी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट सर, और इमोशनली ड्रेनिंग होगा। जितनी जल्दी आप रैशनल बन सको उतना फायदा है, क्योंकि तब आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचोगे, आपका माइंड नेक्स्ट स्टेप के बारे में बिजी हो जाएगा और फिर सोचेगा और फिर सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेगा। सर, ऐसा कौन सा टाइम था जब आप सबसे लोएस्ट पॉइंट कहते हैं हम एक लाइफ का या स्टार्टअप जर्नी का, तो वो आपकी लाइफ में कौन सा रहा था जब बिल्कुल लोएस्ट पे आ गए थे क्विट करने पे? तो थैंकफुली ऐसा कोई लोएस्ट मोमेंट, कोई सिंगल लोएस्ट मोमेंट तो मैं की जगह छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लो मोमेंट्स अवश्य आए, जब ऐसा लगा कि क्या कस्टमर्स हमको पैसे देंगे, क्या कस्टमर्स आईडी एक्सेप्ट करेंगे, क्या इन्वेस्टर्स बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे, उस तरह के बेसिकली बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स और सेल्फ डाउट कई बार आए, और वो बहुत ही लाजमी भी है, मतलब वो आने ही है, आप कुछ भी डिफरेंट करने वाले हो जो पहले वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं किया है, तो वो आने ही आने है। मेरे ख्याल से इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो आपका को फाउंडर है और आपके जो स्पाउस है और आपके जो पेरेंट्स है,
वो आपके साथ हो, इसलिए ऐसा कोई भी जर्नी करने से पहले चाहे आप अपने पेरेंट्स को भी समझाना, अपना थॉट प्रोसेस समझाना, अपने स्पाउस को भी समझाना और अपने को फाउंडर के साथ मन की बात शेयर करना थोड़ा जरूरी है, बिकॉज ऐसे लो पॉइंट्स पर वही लोग फिर सपोर्ट करते हैं आपका और सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। ओके ओके सर, ओके दैट्स ग्रेट, राइट सर, राइट। अच्छा सर, आपको एक चीज ये नहीं लगी, आपने जो आइडिया मार्केट के अंदर लेकर आए उसको कोई इजीली कॉम्पिटिटर कॉपी करेगा, ज्यादा फंडिंग लाके उसको तेजी से स्केल कर सकता है? हाँ नहीं, ये वाला ये रिस्क तो हमेशा ही है और हर किसी स्टार्टअप के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा ये बात भी है कि अगर आप आइडिया अगर आपका खुद का है और आपने बेसिकली बोरो नहीं किया है कहीं से, तो आपको भरोसा है उस आइडिया पर, राइट? तो आप अपना पूरा फाइट मारो और फाइनली ये एग्जीक्यूशन स्किल आता है इसके अंदर, आपकी एबिलिटी कस्टमर को खुश करने की, आपकी एबिलिटी अपना प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छा बनाने की, आपकी एबिलिटी पेड कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की, ये तो आपका स्किल, आपको मतलब ये तो स्किल है ही। और हाँ, इसके अंदर कुछ हद तक लक भी है कि आपकी टाइमिंग सही है कि जल्दी है कि देर है, तो ये एक मतलब एक नेसेसरी इवल है, इससे आप पीछा छुड़ा नहीं सकते हो। ये तो है ही कि आपका आइडिया या तो पहले कोई कॉपी कर चुका होगा या बाद में कोई कॉपी करेगा। इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इसको बढ़ा कर सको, अपने आइडिया को जितना उसमें जान लगा सको वो लगाओ, एक भी सेकेंड वेस्ट मत करो, क्योंकि अच्छी आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे मार्केट्स सुनो लेटर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि जो ऑक्यूपाई करता है उसको भी कुछ साल बाद कोई और डिस्टर्ब करने वाला आ जाता है, तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, जाती रहती है। ये है, ठीक है, डन, ग्रेट सर। सर आपका मैसेज क्या है यंग जनरेशन को इस समय, यंग एंटरप्रेन्योर्स का जनरेशन? मेरा मैसेज यही है कि स्टार्टअप बहुत ही ग्लैमरस लगता है बाहर से, लेकिन बहुत ही मेहनत वाला काम है, तो इसके अंदर सोच समझ के आइए कि मुझ जैसे लोगों का इंटरव्यू देख के ये मत सोचिए, और हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, हम भी अभी कर ही रहे हैं मेहनत और समय बिताएगा, और तो ये मत मानिए कि इसके अंदर सक्सेस आसान होगी। आपकी जॉब अगर खराब चल रही है तो छोड़ के मत आइए, क्योंकि जॉब में उतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि आप अगर ये स्टार्टअप की जर्नी में कूदें तो फाइनेंशियली प्रिपेयर होके आइए, ताकि ऐसा ना हो कि 2-3 महीनों के अंदर ही स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, फिर आप 12-18 महीने सब कुछ छोड़ के इसी एक ही चीज में फोकस करिए। और मैं, हालांकि ये चैलेंजेस मैंने बोले, पर मैं पॉजिटिव ये बोलूंगा कि मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल स्टार्टअप से बढ़िया दुनिया में कोई जॉब नहीं है। तो अगर आपको आपको अपने आइडिया में पैशन है, आपको अपने आइडिया में विश्वास है, मार्केट साइज उसका बड़ा है, तो जैसे ही आपके फाइनेंसेस होते हैं इकट्ठे, आप एकदम इसमें ट्राई करिए, क्योंकि जैसे कि एक कहावत कहते हैं कि रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क लाइफ में, कि कोई रिग्रेट ना रह जाए, आप जब 60 साल के हो जाएंगे, अरे मैंने, मेरा बहुत अच्छा आइडिया था, मैंने करा। तो अगर आपके मन में पैशनेट आइडिया, तो जरूर करना चाहिए फाइनेंशियली रेडी होके, और ये जर्नी बेसिकली मेहनत वाली है, लेकिन ऑफकोर्स बहुत ही एंजॉयबल ऑफकोर्स है। ओके ओके, थैंक्स सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारी ऑडियंस को, हमें इतना टाइम दिया, इतने वैल्यूएबल लेसंस दिए जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। वंस अगेन थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू।